नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज रेलवे में मिलने वाली छुट्टियों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आप अक्सर तो ऐसे तीन तरह की छुट्टियां आप जानते हो, LAP, CL और LHAP, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छुट्टियाँ होती है जो कि आपको लगभग सारी छुट्टियों के बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको सारी छुट्टियों की जानकारी मिल पाएगी। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला LAP, LAP यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। दोस्तों ये एम्प्लॉय को एक वर्ष में टोटल 30 छुट्टियां दी जाती है और ये 1 जनवरी को 15 एवं 1 जुलाई को 15, यानी कि एक वर्ष के दौरान ये टोटल 30 छुट्टियाँ दी जाती है। इस छुट्टी के दौरान किसी तरह की सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। अगर ये छुट्टी आप यूज नहीं कर पाते हैं, 30 छुट्टियों को आप यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये अगले साल की LAP के साथ ये ऐड हो जाता है। इस छुट्टी को आप पूरी सर्विस के दौरान 300 तक इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 300 से अधिक आपने छुट्टी इकट्ठा किए हैं तो उस छुट्टी का रेलवे द्वारा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। दोस्तों अगर ये छुट्टी आपके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है और आपको लंबी टाइम के लिए एक बार में छुट्टी पर जाना होता है, तो ये आप 180 छुट्टी एक बार में स्वीकृत हो सकता है और 180 छुट्टी आप लेकर कहीं जा सकते हैं, घूमने या घर या अपना मकान वगैरह जो भी बनाना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। अगला छुट्टी है LHAP यानी कि लिव ऑन हाफ एवरेज पे। ये छुट्टी एक वर्ष में टोटल 20 छुट्टियाँ दी जाती है जो कि 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, टोटल 20 छुट्टियाँ। इस छुट्टी के दौरान आपको हाफ पेमेंट दिया जाता है। इस छुट्टी को अगर आप फुल पेमेंट लेना चाहते हैं तो LHAP आपको 2 दिन का मर्ज करके 1 दिन की फुल सैलरी दी जा सकती है। अगला CL यानी कि कैजुअल लीव। कैजुअल लीव दोस्तों एक वर्ष के दौरान टोटल 10 दिए जाते हैं और ये जो 10 छुट्टियां होती है अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ख़त्म करते हैं तो ये स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। ये अगले साल के CL के साथ नहीं ऐड होता है। दोस्तों ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए यानी कि विकलांग कर्मचारियों के लिए ये 12 दिए जाते हैं। नेक्स्ट मैटरनिटी लीव ML। दोस्तों ये केवल फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये टोटल 180 छुट्टी मिलते हैं। ये 180 छुट्टी जो महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के बीच में ही ये छुट्टियाँ दी जाती है और ये महिला एम्प्लॉय को 2 बच्चों तक लागू होता है। इस छुट्टी के दौरान किसी तरह की सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। अगर महिला एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव लेकर 180 दिन ख़त्म कर चुकी, उसके अलावा भी उनको अगर छुट्टी पर रहना है तो उसके साथ में LAP या LHAP साथ में ले सकती हैं। अगला है पैटर्निटी लीव यानी कि PL। यह केवल पुरुष एम्प्लॉय को दिया जाता है और ये 15 दिन की छुट्टियां होती है और ये 2 बच्चों तक दिए जाते हैं। अगर आपका बच्चा जन्म लिया है तो उसको मिलने के लिए या उससे पहले डिलीवरी के दौरान अगर आप अपने घर जाते हैं तो उस टाइम आपको 15 दिन की छुट्टी 2 बच्चों के लिए दिए जाते हैं, यानी कि एक बार में 15 छुट्टी ही स्वीकृत की जाती है और फिर अगले बच्चे के लिए 15 दिन की स्वीकृत की जाती है। इस छुट्टी के दौरान किसी तरह का सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव। दोस्तों चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो होता है ये महिला और पुरुष कर्मचारी दोनों को दिया जाता है। दोस्तों अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उस कंडीशन में उस महिला एम्प्लॉय को 180 दिन की छुट्टी दी जाती है और उस पुरुष एम्प्लॉय को 15 दिन की छुट्टियां दी जाती है। इस छुट्टी के दौरान भी किसी तरह की सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। चाइल्ड केयर लीव। दोस्तों ये केवल फीमेल एम्प्लॉय पर नहीं लागू होता है क्योंकि ये टोटल 24 मंथ की छुट्टियाँ होती है। ये उस बच्चे के पालन पोषण के लिए छुट्टियाँ दी जाती है और ये छुट्टी 18 वर्ष तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक आप कभी भी इस छुट्टी को ले सकते हैं। इस छुट्टी को आप
तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज पार्ट में भी ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं आप एक बार में ही पूरा छुट्टी को ले लें। जैसे कि आपने 10 दिन की छुट्टी ली, फिर अगली बार 50 दिन की छुट्टी ले लिए, उसके आगे 20 दिन का छुट्टी, ऐसे आप कभी भी इस छुट्टी को ले सकते हैं जब तक कि आपका बच्चा 18 वर्ष तक नहीं हो जाता। 18 वर्ष से पहले आपको इस छुट्टी को लेना होता है। अगर आप लेट करते हैं तो ये स्वतः ही छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है। इस छुट्टी के दौरान किसी तरह की सैलरी में कटौती नहीं की जाती। नेक्स्ट, ज्वाइनिंग लीव। अगर आपका ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेशन लेवल द्वारा की गई है और आप जिस स्टेशन पर हैं वहाँ से आपकी ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर दूर कर दी गई है, तो उस कंडीशन में, मतलब कि 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आपकी ट्रांसफ़र की जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 10 दिन की ज्वाइनिंग लीव दी जाती है कि यहाँ से आप वहाँ तक शिफ्ट होने के लिए। तो दोस्तों, इस छुट्टी के दौरान भी किसी तरह का सैलरी में कटौती नहीं की जाती है। नेक्स्ट, एजुकेशन लीव या स्टडी लीव। इस छुट्टी के दौरान टोटल 24 महीने की छुट्टियां दी जाती है। दोस्तों, इसमें एक बार में केवल 12 महीने की ही छुट्टियां स्वीकृत की जाती है। ये छुट्टी उन कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने 5 साल तक रेलवे में अपनी सर्विस दे चुके हैं और वो जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो रेलवे के हित में ही वो पढ़ाई हो, तभी वो छुट्टियां दी जाती है। इस छुट्टी के दौरान भी किसी तरह के सैलरी में डिडक्शन नहीं किया जाता है, यानी कि सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाती है। और इस छुट्टी के दौरान आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं बनता है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तभी बनता है जब आप ड्यूटी करते हैं। नेक्स्ट, LWP, लीव विदाउट पे। दोस्तों, ये छुट्टियाँ तभी आपको दी जाती है जब आपकी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई रहती है, जैसे कि LAP, CL, LHAP। अगर आपकी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई रहती है और आपकी स्वास्थ्य में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपको रेलवे हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, तभी आपको ये छुट्टियाँ मिलती है। और ये छुट्टी आपकी पूरी नौकरी पीरियड में 360 दिन की मिलती है। इसमें आपको 90 दिन की छुट्टी एक बार में स्वीकृत की जाती है। नेक्स्ट, IOD। IOD यानी कि इंजरी ऑन ड्यूटी। दोस्तों, अगर काम करते वक्त अगर आपको किसी तरह की चोट वगैरह लग जाती है, तो उस कंडीशन में आपको रेलवे द्वारा एक छुट्टी दी जाती है जिसको IOD बोलते हैं, इंजरी ऑन ड्यूटी। इसके दौरान आपको 120 दिन तक रेलवे द्वारा फुल सैलरी दी जाती है, उसके बाद हाफ सैलरी दी जाती है। और ये सैलरी DRM यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर द्वारा स्वीकृत की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।